मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल से कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मुद्दा लाइव के बेहद खास प्रोग्राम में शुभांशी गुप्ता के साथ। लगभग 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए हो रहे भूमि पूजन को लेकर देश भर में खुशियों का माहौल था। वहीं प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इसका असर देखने को मिला। पूजा सिंह, जिलाध्यक्ष वाराणसी महिला शक्ति से हूं। आज राम मंदिर का भूमि पूजन होने वैसे में आप लोगों ने बनारस में भी यज्ञ किया, क्या हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही अद्भुत दिन है कि 500 वर्ष बाद, 7 पीढ़ियों बाद हम लोग ये दिन आज देख रहे हैं, जिसके लिए सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। और बहुत ही हर्ष और बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहेगा, जो कि हमारी इतिहास में लोग याद रखेंगे कि आज हमारा भूमि पूजन हुआ और बहुत जल्द हम सब राम मंदिर का वो सपना जो था वो सभी पूरा होते देख पाएंगे। आज फिर से दो आध्यात्मिक नगरों का एक मिलन होने जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम लोग भी काशी से हैं और काशी के ही विद्वान हैं जो वहाँ पे भूमि पूजन करा रहे हैं। और काशी और अयोध्या का बहुत पुराना संबंध पहले से भी इतिहास में रहा है, तो हमारे लिए बहुत ही भाग्यवान है हम लोग कि हम लोग काशी से। काशी के बाद आप मोदी जी आज एक करने जा रहे हैं काशी और अयोध्या। मोदी जी ने तो बहुत से ऐसे ऐसे कार्य किए जो सबने सोचा ही नहीं था। इसका सपना तो सभी सोच रहे थे, जैसे और भी सरकार आई गई वैसे ही शायद ये भी रह जाए, पर ये जो लोगों का एक कह सकते हैं एक भ्रम था, एक मिथ भी था कि नहीं सरकारें आती हैं सिर्फ वोटों के लिए इस तरह की चीज़ें करती हैं, पर ऐसी बात नहीं है। मोदी जी ने वो करके दिखाया जो सबका सपना था। परिचय दीजिएगा। मैं विवेक सिंह राठौर, प्रदेश महामंत्री करणी सेना और जिले का प्रभारी भी हूँ। किस तरह का यज्ञ हवन किया और किसके लिए? जैसा कि पूरे देश को ज्ञात है कि आज हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है, और यह एक अभूतपूर्व दिन है क्योंकि 5 साल पूर्व जब इस देश में मुगलों का शासन हुआ करता था, तभी इसी काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख करके राम नाम का एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। काशी के लोगों की भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और आज वो महत्वपूर्ण दिन है कि काशी के ही सांसद नरेंद्र मोदी जी मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं, और काशी के ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 3 विद्वान जो भूमि पूजन को करा रहे हैं। ये ऐसा मौका काशीवासियों के लिए, देश के वासियों के लिए एवं समस्त आम जनमानस के लिए अति उत्साह वर्धक योग्य है। क्या कुछ प्रसाद वगैरह का वितरण किया है? करणी सेना के माध्यम से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि शिलान्यास के अवसर पर बनारस में भी यज्ञ और हवन का कार्यक्रम किया गया था, साथ ही 101 किलो लड्डू प्रसाद के रूप में आम जनमानस में वितरण करने का आयोजन है, जो कि आप देख रहे हैं कि लगातार किया जा रहा है। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई खास खबरों के साथ। सवालों के भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर, हम नहीं बोलेंगे। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल से कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल।